श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन 3 के बीच स्टूडेंट्स की पढ़ाई अब बिना व्यवधान की होगी। आकाशवाणी कॉटन सिटी पर विद्यार्थियों के लिए 30 जून तक प्रतिदिन 55 मिनट शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। RBSE से संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित ये कार्यक्रम रोज सुबह 11 से 11:55 तक प्रसारित होगा। राज्य सरकार की ओर से ई सामग्री स्माइल प्रोजेक्ट के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य सरकार की पहल पर प्रसार भारती ने शिक्षा विभाग को रेडियो के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री के प्रसारण के लिए 55 मिनट का निःशुल्क समय उपलब्ध करवाया है। स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षावाणी कार्यक्रम 25 आकाशवाणी केंद्र और रिले आकाशवाणी केंद्रों पर प्रसारित होगा। आज से राज्य के विद्यार्थियों के लिए शिक्षावाणी कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो शुरू हो चुका है और राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से और जो हमारे रिले केंद्र हैं सभी से ये एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका समय प्रातः 11 बजे है। और मैं ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि अधिक से अधिक जो विद्यार्थी है आकाशवाणी के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और जो एक निरंतरता उनकी जो छुट्टी है पढ़ाई की वो अब अपनी निरंतर पढ़ाई कर सकते हैं। और जहाँ रेडियो सुलभ नहीं है तो वो जो एंड्रॉयड ऐप है, आई ऐप है, एंड्रॉयड और आई के जो फ़ोन हैं उनके मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें न्यूज़ ऑन AIR, इसके माध्यम से भी हमारे आकाशवाणी केंद्रों को वो सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम वो सुन सकते हैं। संक्रमण के इस दौर में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट तथा आज से शुरू किए गए शिक्षावाणी कार्यक्रम के द्वारा बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया जारी रहे, इसके लिए विशेष प्रसारण शुरू किए गए हैं ताकि कक्षा 3 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वो घर पे रह के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, उनको उपयोगी शिक्षण सामग्री इन कार्यक्रमों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए।